नमस्कार दोस्तों, आप सबका आप सभी के चैनल एस्केप प्लंबिंग वर्क्स में स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने अपना ही चैनल एस्केप प्लंबिंग वर्क्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, नीचे लाल कलर का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे नई वीडियो आने पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के बीच में प्लंबिंग का नया वीडियो लेकर आया हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, आपको दो नल दिखाई दे रहे होंगे जिसमें एक हाफ टर्न बीपकॉक है और एक फुल टर्न बीपकॉक है। यह हाफ टर्न बीपकॉक का स्पेंडल है और यह फुल टर्न बीपकॉक का स्पेंडल है। तो आज मैं इन्हीं दोनों नल के बारे में रिव्यू देने वाला हूँ, कौन सा नल बेस्ट है, कौन सा नल का वाटर फ्लो अच्छा है और कौन सा नल ज्यादा टाइम तक टिकता है। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यह हाफ टर्न बीपकॉक की। तो इसका जो ऑन एंड ऑफ का सिस्टम है ये आपको हाफ टर्न में करना पड़ता है, जिसमें ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, आपको इजीली यह ऑन एंड ऑफ हो जाता है। वहीं हम बात करेंगे फुल टर्न बीपकॉक की। तो इसको तीन स्टेप में हमको ऑन एंड ऑफ करना पड़ता है, यहाँ पे देख सकते हैं 1, 2, 3। तो फुल टर्न में हमको ऑन एंड ऑफ करने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, तीन स्टेप में यह ऑन एंड ऑफ होता है। तो वहीं हम हाफ टर्न स्पेंडल की बात करेंगे, इस तरह से यह हाफ टर्न में ऑन एंड ऑफ होता है। तो जो हाफ टर्न का स्पेंडल है वह ज्यादा दिन तक चलता है क्योंकि यह इजीली ऑन एंड ऑफ हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो हाफ टर्न का स्पेंडल है वह बहुत ज्यादा दिन तक चलता है। वहीं जो फुल टर्न का स्पेंडल है इसको हमको तीन स्टेप में ऑन एंड ऑफ करना पड़ता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हमें तीन स्टेप में ऑन एंड ऑफ करना पड़ता है, जिसके कारण इसको कस्टमर लोग बहुत ज्यादा ऐसे टाइट ऐसे ऐसे कर देते हैं, जिसके कारण इसका जो स्पेंडल है बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है। तो इसलिए जो हाफ टर्न का ड्यूरेबिलिटी है लॉन्ग रहता है। वहीं हम वाटर फ्लो की बात करें दोनों बीपकॉक में, तो वाटर फ्लो में जो इसका हाफ टर्न का सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे आपको गैप दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी आने जाने का कितना पतला गैप है। तो जो हाफ टर्न का पानी आने का गैप है वह फुल टर्न से कम है, वो भी आपको दिखाता हूं। यह हाफ टर्न का गैप आपने देख लिया, और जो फुल टर्न का है इसका जो ऑन एंड ऑफ का सिस्टम है यहाँ पे आप देख लीजिए, ये इस तरह से आके यहाँ पे टच हो जाता है, तो जिसके कारण पानी का फ्लो बंद हो जाता है। अभी देखिए, ये अभी इसको हम ऑन कर देते हैं, तो इस तरह से इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इस तरह से ऑन एंड ऑफ होता है। तो इसमें जो पानी का फ्लो है यह हाफ टर्न के स्पेंडल से ज्यादा मिलता है, तो वाटर फ्लो जो है फुल टर्न में आपको पानी का प्रेशर ज्यादा मिलेगा, पर जो ड्यूरेबिलिटी है हाफ टर्न की ज्यादा है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से यह जो हाफ टर्न बीपकॉक है इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वह फुल टर्न बीपकॉक के से ज्यादा है। वहीं दोस्तों, जो फुल टर्न बीपकॉक है उसका वाटर प्रेशर हाफ टर्न के बीपकॉक से ज्यादा है। तो अगर आपको वाटर प्रेशर के हिसाब से देखना है तो आप फुल टर्न बीपकॉक का इस्तेमाल करें, और आपको लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी तक वाला बीपकॉक देखना है तो आप हाफ टर्न बीपकॉक ले सकते हैं। तो अगर आपको रिव्यू अच्छी लगी हो इसके बारे में दोस्तों, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इस तरह से मैं बहुत सारे नए नए वीडियोस लाता रहूंगा। दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, फिर से आपसे नई वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।